कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है विक्टोरिया की आवाज़ से। वो अभी काफ़ी छोटी है। वो हमें बता रही है कि जब से वो पैदा हुई है तभी से उसे ब्रिटिश थ्रोन का प्रिजम्पटिव उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। प्रिजम्पटिव यानी विक्टोरिया क्वीन बनने की उत्तराधिकारी रहेगी, पर अगर इस खानदान में कोई लड़का पैदा हुआ या फिर कोई बेहतर राजा मिल गया तो विक्टोरिया को थ्रोन से उतार दिया जाएगा। विक्टोरिया का बचपन रिहायशी तरीके से बीता, पर उस पर ढेर सारी बंदिशें थीं। ना वो ठीक से खा पी सकती थी, ना ही अपनी इच्छा से कहीं बाहर निकल सकती थी। हर वक्त उसके आसपास एक सर्वेंट रहती थी, उस पर हमेशा पहरा रहता था। इस तरह वो एक कैदी की ज़िंदगी बचपन से ही जीती आई। धीरे धीरे वो अब बड़ी हो गई है। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होने लगे हैं। इस कहानी में विक्टोरिया के अंकल किंग विलियम भी हैं। विलियम की नज़र इस थ्रोन के जायदाद पर लगी रहती है। वो विक्टोरिया पर एक्स्ट्रा नज़र रखते हैं, उसकी हर एक्टिविटी को नोटिस करते रहते हैं। दूसरी साइड विक्टोरिया की मदर है जो कि डचेस ऑफ कैंट है, और साथ में उनका असिस्टेंट है जॉन कॉनरॉय। कॉनरॉय भी विक्टोरिया को फोर्स करता रहता है इन पेपर्स पर साइन करने के लिए। इन पेपर्स के मुताबिक जब विक्टोरिया माइनॉरिटी एज को पार कर जाएगी तब ये थ्रोन वो कॉनरॉय को और अपनी मदर को दे देगी। इसके साथ ही विक्टोरिया के अंकल लेपर्ड भी हैं। वो लगे हुए हैं कि इंग्लैंड और बेल्जियम के रिश्ते अच्छे बने रहें ताकि बेल्जियम इस थ्रोन पर अटैक ना करे। वो चाहते हैं कि उनका नेफ्यू प्रिंस एल्बर्ट विक्टोरिया से शादी कर ले। एल्बर्ट विक्टोरिया का रिश्ते में कजिन लगता है, पर अंकल लेपर्ड का आइडिया है कि विक्टोरिया और एल्बर्ट की शादी से ये ब्रिटिश थ्रोन भी उनके अंडर में आ जाएगा। एल्बर्ट विक्टोरिया के पैलेस में आता है, उसके साथ प्रिंस अर्नस्ट भी आया है। पहले तो विक्टोरिया ने एल्बर्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो जानती है कि अंकल लेपर्ड ने एल्बर्ट को भेजा है उसे इम्प्रेस करने के लिए, और वैसे भी विक्टोरिया अपने कजन के साथ रोमांस नहीं करना चाहती। एल्बर्ट विक्टोरिया के लाइक्स और डिसलाइक्स जानना शुरू करता है। दोनों साथ में बैठकर चेस भी खेलते हैं, आसपास के नज़ारों को देखते हैं। प्रिंस अर्नस्ट ये सब देखता रहता है। कुछ समय बाद एल्बर्ट विक्टोरिया से चुंबन क्रिया करने की इच्छा जाहिर करता है। विक्टोरिया इससे इनकार कर देती है। एल्बर्ट इसके बाद यहाँ से चला जाता है, पर विक्टोरिया उसे लिखती रहती है। एल्बर्ट भी उसके खतों का जवाब देता रहता है। कुछ समय बाद विक्टोरिया का बर्थडे है। इसका रिसेप्शन रखा गया है विंडसर कैसल में। किंग ये इच्छा जाहिर करता है कि वो विक्टोरिया के क्लोज रहना चाहता है। यहाँ वो कहता है कि विक्टोरिया को वो पसंद करता है। विक्टोरिया के मदर भी यहाँ मौजूद है। किंग विक्टोरिया के मदर की यहाँ काफ़ी इंसल्ट करता है, उन्हें वेश्या कहकर बुलाता है। किंग विक्टोरिया के इनकम को भी बढ़ाने का हुक्म देता है। ये सब करके वो विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है, पर कॉनरॉय इन सब को रिजेक्ट कर देता है। वो विक्टोरिया के सामने ही विक्टोरिया के मदर को क्षति पहुँचाता है। इस तरह कॉनरॉय और विक्टोरिया के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई है। हर बार विक्टोरिया कॉनरॉय के दिए पेपर्स साइन करने से इनकार कर देती है। किंग इसके बाद लॉर्ड मेलबर्न को भेजता है विक्टोरिया की केयर करने के लिए। विक्टोरिया ने मेलबर्न को एक्सेप्ट कर लिया है अपना सेक्रेटरी रखने के लिए। मेलबर्न भी विक्टोरिया को लेडीज इन वेटिंग में शामिल कर लेता है। लेडीज इन वेटिंग 19th सेंचुरी में राजा के बाद सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता था। ये उन लोगों को मिलता है जो कि फैमिली से जुड़े होते थे और राजा के साथ पॉलिटिकली अलाइंड होते थे। इन सब में विक्टोरिया का 18वां बर्थडे आ गया। इसके कुछ समय बाद ही किंग विलियम की डेथ हो गई। अब चूंकि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, विक्टोरिया ने इस राज्य को अपने अंडर में ले लिया है। अब वो यहाँ की क्वीन है। क्वीन बनने के बाद उसने यहाँ पे घोषणा की है कि अब से वो किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अब स्वतंत्र है। अब उसने अपनी मदर को भी नेगलेक्ट करते हुए उनसे दूरियाँ बना ली हैं, और तो और उसने कॉनरॉय को अपने आसपास के एरिया से दूर खदेड़ दिया है। जब पहली बार उसे अपने काउंसिल के सामने बोलना था, उसने अनाउंस किया कि अब से वो यहाँ की जनता के लिए सब कुछ करेगी, अपने राज्य और राज्य के लोगों के लिए वो खुद को डिवोट कर देगी। इन सब के बाद विक्टोरिया अपने राज्य के बकिंगम पैलेस को मूव इन करती है। उसके साथ है उसकी आंटी क्वीन एडिलेड। उसकी आंटी भी विक्टोरिया को अपने दुश्मनों से सावधान रहने के लिए वॉर्न करती हैं। यहाँ एल्बर्ट फिर से विक्टोरिया को विजिट करने आता है। दोनों कॉमन पब्लिक के फेवर में काम करना चाहते हैं। एल्बर्ट अपने आइडियाज़ देता रहता है। विक्टोरिया को ये आइडियाज़ पसंद आते हैं। इन सब में विक्टोरिया एल्बर्ट के किस करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर दोनों यहाँ साथ में धुआंधार संभोग करते हैं। विक्टोरिया को एल्बर्ट का साथ अच्छा लगता है। वो उससे कमिटेड रिलेशनशिप चाहती है,
पर अल्बर्ट यहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिली है सर रॉबर्ट को। रॉबर्ट लेडीज इन वेटिंग में कुछ बदलाव चाहता है। वो अपनी पार्टी के लोगों को इसमें रिप्लेस करना चाहता है ताकि विक्टोरिया के पावर को कम किया जा सके। विक्टोरिया इन सब से इनकार कर देती है। रॉबर्ट भी इससे खफा होकर नई गवर्नमेंट फॉर्म करने से मना कर देता है। इन सब की वजह से मेलबर्न को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इस घटना के बाद से विक्टोरिया की पॉपुलैरिटी अब गिरती जा रही है। उसके विरोध में आवाज़ें उठने लगी हैं। सबका ये कहना है कि विक्टोरिया ही इस पूरे राज पर हुकूमत चलाना चाहती है। अल्बर्ट अभी भी विक्टोरिया को अपने खत लिखता रहता है। विक्टोरिया भी उसे जवाब भेजती रहती है। इस तरह दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हैं। विक्टोरिया अल्बर्ट को आने की रिक्वेस्ट करती है। अल्बर्ट उसकी रिक्वेस्ट पर यहाँ आता भी है। विक्टोरिया उसे शादी की रिक्वेस्ट करती है। इस बार अल्बर्ट ने उसका यह ऑफर कबूल कर लिया है। दोनों की शादी बड़े शांत तरीके से की जा रही है। लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। इस तरह इनका हनीमून भी कुछ ही दिनों तक चल सकता है। विक्टोरिया को वापस अपने पैलेस जाना है, पर अल्बर्ट विक्टोरिया से कहता है कि हमें इतने बच्चे पैदा करने होंगे कि वो सारे यूरोप पर राज करेंगे। विक्टोरिया कहती है कि अल्बर्ट का सपना ज़रूर पूरा होगा। अब धीरे धीरे अल्बर्ट ने भी विक्टोरिया की हेल्प करनी शुरू कर दी है। अल्बर्ट को अपनी पावरलेस होने का एहसास होता है। वो देखता है कि कॉनरॉय को बेवजह फंडिंग की जाती है। वो कॉनरॉय की फंडिंग को रोक देता है, और तो और उसने लॉर्ड मेलबर्न को भी अपने वाइफ के आसपास जाने से मना कर दिया। अल्बर्ट को लगता है कि उसे तो कोई भी पावर नहीं मिली। अल्बर्ट विक्टोरिया के लेडीज़ इन वेटिंग में कुछ लोगों को बदल देता है। इस बात पर विक्टोरिया से उसका झगड़ा हुआ। अल्बर्ट कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। विक्टोरिया भी बड़ी ज़िद्दी है। वो कहती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। दोनों जब साथ में निकलते हैं कि तभी विक्टोरिया को मारने के लिए उस पर अटैक होता है। अल्बर्ट इससे भांप लेता है। विक्टोरिया को बचाने के लिए वो खुद को आगे कर लेता है। विक्टोरिया तो बच गई, पर अल्बर्ट बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में इलाज के बाद अल्बर्ट बच गया। विक्टोरिया कहती है कि अल्बर्ट से वो बहुत प्यार करती है। अल्बर्ट कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह आगे भी विक्टोरिया के लिए अपनी जान दे देगा। बाद में मेलबर्न भी विक्टोरिया को एडवाइस करता है कि विक्टोरिया को अपनी पावर अल्बर्ट से शेयर करनी चाहिए। वो काबिल है, उसमें समझ भी है और चालाकियाँ भी हैं। इस तरह विक्टोरिया ने मेलबर्न के एडवाइस को मान लिया है। कुछ समय के बाद विक्टोरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे खुश होकर विक्टोरिया के मदर भी अब विक्टोरिया से झगड़ा समाप्त करना चाहती हैं। फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि विक्टोरिया और अल्बर्ट के 9 बच्चे हुए, जिन्होंने यूरोप के अलग अलग देशों पर राज किया। 42 की एज में अल्बर्ट मर गया और यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।